कर्नाटक के मंगलुरु में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो, पीएम मोदी के साथ नजर आए लोकसभा प्रत्याशी। पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा कर किया गया अभिनंदन, पीएम मोदी ने जनता का अभिवादन किया स्वीकार। सड़क के दोनों तरफ उमड़ा भारी जनसैलाब, पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए उत्साहित दिखी जनता, मोदी मोदी के लगाए गए नारे। लोगों में मची पीएम मोदी के साथ तस्वीर लेने की होड़, लोगों ने मोबाइल में कैद की पीएम मोदी की तस्वीर। बीजेपी समर्थकों का दिखा अलग अंदाज, शरीर पर पीएम मोदी की बनवाई तस्वीर, जनता का प्यार और जोश देखकर पीएम मोदी दिखे गदगद। तमिलनाडु के मैसूर में पीएम मोदी की विशाल रैली, पीएम मोदी को पगड़ी के साथ माला पहनाकर किया गया स्वागत, अब की बार 400 पार के लगे नारे, पूर्व पीएम देवगौड़ा भी रहे मौजूद। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को भेंट की शॉल, पीएम मोदी का हाथ जोड़कर सभी ने अभिवादन किया स्वीकार। पीएम मोदी ने आज के दिन को बताया बेहद अहम, कहा आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, ये संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस सिर्फ धोखा देना जानती है, नीयत सही होगी तो नतीजे सही होंगे। कांग्रेस को घेरते हुए बोले पीएम मोदी, कहा जो लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं कांग्रेस उन्हें चुनाव का टिकट देती है। पीएम मोदी ने होशंगाबाद में की चुनावी रैली, कहा मध्य प्रदेश ने पूरे देश को चकित कर दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का लगाया आरोप, कहा कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को गिराया। पीएम मोदी ने मंच से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी किया याद, कहा कांग्रेस ने अंबेडकर का किया अपमान। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने भ्रम फैलाने का लगाया आरोप, कहा कांग्रेस देश को डराने की कोशिश में जुटी। इंडिया गठबंधन पर भी पीएम मोदी ने साधा निशाना, बोले दुनिया के लिए शक्तिशाली भारत जरूरी, विपक्षी गठबंधन नहीं कर सकते मजबूत। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गृहमंत्री अमित शाह की चुनावी हुंकार, शाह की जनसभा में पहुंचे बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर कसा तंज, कहा भ्रष्टाचार करके भूपेश कक्का का नहीं भरा पेट, अभी भी यहां से बनना चाहते हैं सांसद। शाह ने जनता से की अपील, कहा भूपेश बघेल को विधानसभा में आपने हराया, इससे भी बड़ी मार्जिन से इनके फिर से घर बेचने का काम आप करिए। शाह ने कहा मोदी जी को दो बार पीएम बनाया, दो बार में उन्होंने छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाया, तीसरी बार बना दो छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त राज्य बना देंगे। नक्सलवाद को लेकर शाह ने भूपेश बघेल को घेरा, कहा भूपेश सरकार में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला, हमारे सीएम और डिप्टी सीएम की जोड़ी ने 65 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया। बिहार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ताबड़तोड़ जनसभाएं, बांका में गरजे राजनाथ सिंह, आरजेडी पर जमकर साधा निशाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अहंकार में चूर होकर कहते हैं कि सरकार इनके बने तो मोदी को जेल में डाल देंगे, किसने मां का दूध पिया है जो मोदी को जेल में डालेंगे। तेजस्वी को राजनाथ सिंह ने घेरा, कहा इन्होंने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको नौकरी मिली। रक्षा मंत्री ने कहा जनता की आंखों में धूल झोंककर आरजेडी ने समर्थन हासिल किया, अब लालटेन का युग जा चुका है, एलईडी का युग आ चुका है। जमुई में रक्षा मंत्री ने आरजेडी पर कसा तंज, कहा यह कहते हैं कि हम बड़े पिछड़ों के पक्षधर हैं, सच्चाई यह है कि ये पिछड़ों के दुश्मन हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दिल्ली मुख्यालय पर खोला वादों का पिटारा, मोदी की गारंटी थीम पर संकल्प पत्र किया जारी। बीजेपी ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को मंच से सौंपा संकल्प पत्र, उपलब्धियों का भी किया गया जिक्र। बीजेपी के संकल्प पत्र में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी पर फोकस, पीएम मोदी ने संकल्प पत्र को बताया युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब। पीएम मोदी ने अगले 5 साल तक मुफ्त राशन योजना को जारी रखने का किया ऐलान, कहा गरीबों की थाली मन को संतोष देने वाली। पीएम मोदी ने लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने की कही बात, बोले आयुष्मान भारत में लोगों को मिलता रहेगा इलाज, दवाई भी सस्ते दरों पर होगी उपलब्ध। ट्रांसजेंडर को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा, 70 साल से
अधिक उम्र के लोगों को मिलेगा मुफ्त में इलाज। बीजेपी के संकल्प पत्र में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं का भी किया गया जिक्र, मुफ्त बिजली के साथ इससे कमाई के अवसर भी करेंगे पैदा। और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। पीएम सूर्य घर, बीजेपी के संकल्प पत्र में 3 करोड़ और नए घर बनवाने दिए जाने का वादा। पीएम मोदी बोले, हम सभी घरों के लिए सस्ती पाइपलाइन गैस उपलब्ध कराने की दिशा में करेंगे काम। नारी सशक्तिकरण को लेकर भी संकल्प पत्र में वादा, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के साथ ग्रामीण महिलाओं को बनाएंगे ड्रोन पायलट, महिला खिलाड़ी को भी मिलेगी वरीयता। पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों को बताया नारी गरिमा का समर्पित, कहा आने वाले 5 साल नारी शक्ति की नई भागीदारी में होंगे। रोजगार की संभावनाओं को लेकर बोले पीएम मोदी, युवाओं को हरित रोजगार से जोड़ने की कही बात। बीजेपी ने संकल्प पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया वादा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, देशवासियों से किया वादा पूरा किया। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में अमन चैन की कही बात, कहा सशक्त भारत की दिशा में तेज गति से हो रहा है काम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को बताया देश सेवा का रोडमैप, कहा 10 साल में देश में जनहित में बहुत काम हुए। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया जनता का संकल्प पत्र, कहा प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 15 लाख लोगों ने दिए थे अपने सुझाव। हर साल चुनाव को शिवराज सिंह चौहान ने बताया पीड़ादायक, कहा इससे समय और पैसे की होती है बर्बादी। संकल्प पत्र को लेकर बोले दक्षिण कोलकाता से बीजेपी उम्मीदवार देवश्री चौधरी, कहा देश के दुश्मनों के खिलाफ है मोदी की गारंटी। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले चिराग पासवान, कहा मोदी की गारंटी से ही देश का विकास संभव, आगे भी मोदी की ही गारंटी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की घोषणा को पत्र को बताया विश्वास नहीं करने वाला, कहा पिछले 10 सालों में बीजेपी ने बेरोजगारी और गरीबी पर नहीं दिया ध्यान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीजेपी के मैनिफेस्टो पर बोले घोषणा पत्र में कुछ नहीं। तेजस्वी यादव बिहार के बहाने बीजेपी पर संकल्प पत्र पर साधा निशाना, कहा बिहार की गरीब जनता और विशेष दर्जे के लिए कुछ नहीं कहा। बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश है उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र पर बोले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, कहा मोदी जी जो कहते हैं वह करते हैं। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा बीजेपी सरकार ने नहीं पूरे किए अपने वादे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 10 उम्मीदवारों की नई लिस्ट, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार को दिया टिकट, पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को जालंधर से बनाया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने जारी की एक और लिस्ट, सलेमपुर से रमाशंकर राजभर को दिया मौका। संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत होंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा लड़ेंगे चुनाव। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा लड़ेंगे समाजवादी पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव, प्रिया सरोज को मछली शहर से मिला मौका। डुमरियागंज से भीष्म शंकर बने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, फूलपुर से अमरनाथ मौर्य लड़ेंगे चुनाव। जलपाईगुड़ी में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने निकाली पदयात्रा, सीएम ममता के रोड शो में दिखी बंगाल की सांस्कृतिक झलक। चुनाव प्रचार में सीएम ममता का अनोखा अंदाज, कलाकारों के बीच बजाया झाल, पारंपरिक परिधान में दिखे आदिवासी समुदाय के कलाकार। रुड़की में रैली के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बालक से की मुलाकात, सीएम योगी के अंदाज में आए बालक को फूलों का गुलदस्ता देकर किया दुलार। चुनाव प्रचार के दौरान एक स्थानीय निवासी के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, परिवार के सदस्यों से मुलाकात करके किया भोजन। खटीमा में चुनाव प्रचार से इतर सीएम धामी की दिखी संजीदगी, एक हादसे में जख्मी हुए लोगों से मिलने पहुंचे सरकारी अस्पताल, घायलों का लिया हालचाल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के श्रीनगर में विजय संकल्प रैली को किया संबोधित, बड़ी संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक।
खटीमा में चुनावी रैली के दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं से मिले सीएम धामी, चुनावी सॉन्ग के बीच सीएम धामी का दिखा अलग अंदाज। खटीमा में सीएम धामी ने किया रोड शो और बाइक रैली, भारी संख्या में जुटे समर्थक, सीएम धामी पर हुई पुष्प वर्षा। सीएम धामी ने पीलीभीत में बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा इस बार प्रचंड बहुमत से बनेगी सरकार। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले सीएम धामी, कहा यह संकल्प पत्र संपूर्ण भारत के उदय का संकल्प पत्र, विकसित भारत का संकल्प है जिसमें हर वर्ग का उत्थान सुनिश्चित किया गया। असम के सोनितपुर में सीएम हेमंता बिस्वा सरमा ने किया चुनाव प्रचार, चुनावी सॉन्ग पर बीजेपी समर्थकों के बीच झूमते नजर आए सीएम बिस्वा। कोयम्बटूर में बीजेपी उम्मीदवार के अन्नामलाई ने किया चुनाव प्रचार, ढोल बजाकर बीजेपी के समर्थन में की वोट की अपील, एक स्थानीय के घर किया भोजन। मंडला लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूजा अर्चना कर शुरू किया चुनाव प्रचार, रोड शो में नजर आए अभिनेता राजा बुंदेला। वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष ने किया शिव मंदिर में पूजा अर्चना, त्रिशूल उठाकर किया चुनाव प्रचार। देवबंद में मायावती की रैली से पहले कार्यकर्ताओं का दिखा जोश, बीएसपी समर्थक का दिखा अनोखा रूप।